हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर को क्यों बनाया गया और कैसे बना। ठीक है, तो सबसे पहले एबेकस बना था, फिर नेपियर बंस बना था, फिर पास्कल लाइन बना था, फिर लेबनीज़ व्हील, मार्क कैसेज मशीन, एनालिटिकल इंजन और जेकब ब्लूम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये आपको पीक जो दिख रहा है उसमें एक एक करके शुरुआत करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला देख लो आप एबेकस, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस था जिसको 3000 BC में मेटोपोनियस ने क्या किया था, बनाया था। इसमें क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चकोर लकड़ी का एक ये फ्रेम है जो दो भागों में बना रहता है, और जो बीट दिख रहा है वो बीट जो है वो काउंटिंग के लिए क्या करता है, यूज़ होता है। आज भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं छोटे बच्चे लोग को काउंटिंग सिखाने में। ठीक है, इसके बाद आया आपका नेपियर बोन्स। ठीक, नेपियर बोन्स जो है वो 1617 में बना, और किसने बनाया, तो जॉन नेपियर ने। और जॉन नेपियर ने इसको अपने ही नाम में क्या किया, नामकरण किया गया। तो ये जो है वो एक रॉड की तरह बना रहता है, और इस रॉड में हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद आपका आया पास्कल लाइन। ठीक, पास्कल लाइन जो है वो कब आया था, 1642 में आया था, और किसने बनाया था, तो ब्लेज पास्कल ने बनाया था। ये जो है पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो घड़ी के मशीन के समान क्या करता था, काम करता था। ठीक है, इसमें क्या होता था, एबेकस की तुलना में, जो एबेकस फर्स्ट मशीन था उसके तुलना में ये फास्ट कार्य करता था। ये हो गया हमारा पास्कल लाइन। उसके बाद लेबनीज़ व्हील, लेबनीज़ जो है वो 1685 में बना, किसने बनाया, तो विलियम लेबनीज़ ने बनाया। वो क्या करता है, वो क्या किया था, जो पास्कल है उसी को क्या कर दिया था आपका, उसी को एडवांस के रूप में बनाया, और इसका नाम रख दिया लेबनीज़ व्हील। इसमें एक सिलेंडर था, वो सिलेंडर क्या होता था, घूमता था, जिससे वो क्या करता था, एडिंग करता था। उसके बाद आपका जेकब लूम, जिसका आविष्कार 1804 में हुआ, और इसमें जेकब लूम जो है वो जैसे बुनाई होता है आपका, उसी प्रकार का एक जेकब लूम जो है वो मशीन बनाया था, जिसमें बहुत सारा पंच कार्ड रहता था, और उस पंच कार्ड से क्या होता था आपका, काउंटिंग होता था। ठीक है, इसके बाद अगला मशीन आया डिफरेंशियल इंजन, और ये डिफरेंशियल इंजन जो है वो किसने बनाया, तो चार्ल्स बेवेज ने बनाया। कब बनाया, 1822 में। ठीक है, ये देखो, इससे पहले जो भी मशीन था वो कैलकुलेशन करता था, और ये एक ऐसा पहला मशीन बना जो कैलकुलेशन के अलावा स्टोरेज भी करता था। ठीक है, फिर आपका एनालिटिकल इंजन आया, उसको भी चार्ल्स बेवेज ने बनाया। कब बनाया, 1833 में, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर। और इसी एनालिटिकल इंजन के आधार पर जो है आपका जो मॉडर्न युग में कंप्यूटर बना गया, उसमें इसका क्या किया गया, यूज़ किया गया, और इसी के कारण चार्ल्स बेवेज को बोला गया फादर्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक, इसके बाद देखो अगला मशीन आपको दिखा रहा है कैंसेस मशीन। ठीक है, ये जो है अमेरिका के जनसंख्या को गिनने के लिए बनाया गया था। ये मशीन जो है वो पंच कार्ड से क्या करता था, काम करता था, पेपर में छोटा छोटा छेद करते थे, जिससे इस मशीन को क्या दिया जाता था।